Praise the Lord. Good morning. Let's listen to today's devotional by Brother James Benedict. I bring greetings once again in the wonderful and marvelous name of Jesus Christ. Topic for today's devotion: therefore, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. 2 Corinthians 5:17. There are some who always talk bad about others, gossiping, and some who always try to put down and discourage others, doing good. There are some who keep using the tongue for everything but for Christ. There are few who spend most of the time on mobile and net. I beg your pardon, there are not few. There are many who spend most of the time on mobile and net, especially the young people, destroying their own career and precious life, neglecting the prayer life and the Word of God. There are few who have become habitual smokers and alcoholics, unable to wriggle out, giving excuses. Yes, we become slaves to certain sins in our lives. Here we see, we can watch in this video, the testimony of John S. Rao, later on called as Johnny Lever, the most popular comedian we know. When his son was struggling for life, Johnny Lever put his trust in God and saw God's divine hand upon his son. Transformed comedian Johnny Lever then put away all his sins, his addicted sins, which chained him, and his very tongue, which was used often to talk bad about others and foul language, has now transformed himself to bless others and to talk good about others. If you are struggling with ugliness of sin in your life, whether that's yelling at your kids or spouse, holding a grudge, being stingy, having unholy thoughts time and again, drowning in your sorrows, then there is hope in Christ. So let's trust Him completely, confess totally, and be completely yielded and transformed and be a new creation in Him. Let's watch the video and be blessed. The joy of seeing Johnny Lever's family serving Christ. मैं लोगों को हंसाता था, मगर हंसी मुझसे कोसों दूर थी। मैं जॉनी लीवर, मेरा असली नाम जॉन राव है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता-पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था। तो छोटे से कटोरे में पानी को पकड़ने की कोशिश करता था, ऐसे कभी ऐसे कैसे। तो इन्हीं हरकतों से कॉमेडी डांस मेरे अंदर से निकला बाहर, और मुझे बचपन से ही लोगों की नकल करना, लोगों की कॉपी करना, ये इसकी आदत थी। लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो 17 साल का जब मैं हुआ तो स्टेज पर स्टैंड अप करना शुरू कर दिया, मिमिक्री के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए, एक्टरों की आवाज़ें निकालना, ये सारी बातें थी। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे पिताजी की यहाँ नौकरी पर लग गया। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। अब हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करने लगा, 6 साल वहाँ नौकरी की, तो वहाँ भी मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता था, तो वहाँ से मुझे लीवर नाम मिल गया। तो जॉन राव से मैं जॉनी लीवर हो गया। फिल्मों में मुझे जो ब्रेक मिला है वो 1980 में मैं कल्याणजी भाई के साथ उनके यहाँ बैठा हुआ था। कोई चेन्नई से प्रोड्यूसर आए थे, तो बोले कोई छोटा सा कॉमेडी चाहिए था, 2-4 दिन का काम है। तो कल्याणजी भाई ने कहा कि यहाँ बैठा हुआ, इसको ले जाओ। मैं शोज़ के लिए ST बसों में सफ़र करता था, थर्ड क्लास डिब्बे में मैं सफ़र करता था विदाउट रिजर्वेशन। अब उसके बाद जब आप फ्लाइट में उड़ने लगते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। जो हम तकलीफों से उठे थे, अब अचानक आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है, अब पिछली ज़िंदगी आप भूल जाते हैं। यहाँ से हम अमेरिका, जब मुझे जाना होता था तो सब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, वाया लंदन जाना पड़ता था। तो फोकट की दारू मिलती थी, एयर होस्टेस आती थी, हमारी दारू लेके आ जाती थी। जब मैं शराब पीता था, मेरी बीवी बहुत मुझसे नाराज़ होती थी, गुस्सा होती थी, झगड़ा होता था।
मैं बचपन से मेहनत करके अपने आप में मैं खड़ा हूँ, मेहनत करके कमा के अपने बलबूते पे खड़ा हूँ मैं। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे, अब मैंने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कर दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहो, 15 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा मैं। ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मेरे बेटा टेबल पे लेटा हुआ है और इतना बड़ा कट था उसका, और मैंने कहा जी क्या बात है, तो बोले ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है, और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा, उसको लकवा हो सकता है, एक साइड से पूरा बदन खराब हो जाएगा। बोले क्या करने से, बोले बंद कर दो ऑपरेशन, तो फिर से स्टिच कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन नहीं हुआ। अब वो जो ट्यूमर है इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी आयुर्वेदिक बहुत सारा इलाज किया, कुछ नहीं, वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो ना उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते। और एक कुंडली वाले ने तो कहा था कि 2002 तक ही आपका बच्चा है, इसके बाद आपका बच्चा नहीं है। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे, अमेरिका वगैरह घूम फिर के निकले। अब एक संडे हम लोग चर्च में गए, जो पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे, मैंने कहा ये ट्यूमर है, उन्होंने कहा इसको ले जाओ न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लॉन कैटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा, उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और जीसस हमारा जिंदा है। मेरी बात में कहा अगर वो जिंदा है तो आपसे बात करेंगे, आप उनसे पहले पूछिए, अगर वो खुद आपसे बात करते हैं, खुद बोलते हैं कि ऑपरेशन करो, तो ही मैं अपने बच्चे को अलाउ करूंगी, वरना मैं अपने बच्चे को ऑपरेशन के लिए मैं इजाज़त नहीं दूंगी। मेरी बात ऐसे खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, मैं तुरंत घुटने टेका और उधर ही प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगी, और मुझे आवाज़ आई जा बेटा जा ऑपरेशन कर, डर मत मैं तेरे साथ। ऑपरेशन के दिन 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया। हम लोगों को डर था, जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा था तो पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे बाद जब बाहर आया अपने लेफ्ट हैंड से बोला डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने सारी चीजें छोड़ दी, शराब सिगरेट गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना, मैंने कहा इसको छोड़। शराब मैं 1.5 बोतल पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पीता था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए छोड़ना। ये बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तलब आती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, यीशु मुझे ताकत दे। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पर चल सकते हैं। मेरी वाइफ सेवा करती हैं, मेरी बेटी चर्च में वर्शिप लीड करती हैं, वो अच्छा गाती हैं, और मेरा बेटा ड्रम्स प्ले करता है, हम चारों मिलकर सेवा कर रहे हैं, और आज हमको इतनी शांति है और इतना सुकून है, बदलने की शक्ति है,
अगर आप बदलने की शक्ति को पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और मुफ्त किताब हासिल कीजिए। Thank you for listening to today's devotional. God bless you. Have a blessed day. And always remember, Jesus loves you and cares for you.